आज से शोबाज पर शुरू हो रहा है पॉपुलर अमेरिकन थ्रिलर सीरीज लॉस्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। लॉस्ट के पहले सीजन के पहले एपिसोड की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो जंगलों में पड़ा है। इस आदमी को चोटें लगी हैं। ये आदमी इस वक्त बांस के जंगलों में पड़ा है और इसका चेहरा देखकर साफ अंदाजा होता है कि ये काफी शॉक्ड और घबराया हुआ है। ये आदमी अपने आसपास देखने की कोशिश करता है। यहाँ हर तरफ सिर्फ बांस के पेड़ ही दिखाई दे रहे हैं। तभी एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग दिखाई देता है। ये आदमी किसी तरह खुद को खड़ा करता है। फिर ये भागता हुआ बांस के इस जंगल से बाहर आता है। यहाँ इसे चारों तरफ समंदर ही समंदर दिखाई देता है। फिर कुछ दूरी से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। ये आदमी उन आवाजों की दिशा की तरफ भागने लगता है। हमें दिखाई देता है कि कई लोग घायल पड़े हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, किसी चीज में आग भी लगी है और फाइनली हमें समझ में आता है कि यहाँ कोई प्लेन क्रैश हुआ है और ये लोग इसी प्लेन के पैसेंजर्स हैं। वो आदमी यहाँ आकर सबको देख रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। एक आदमी प्लेन के मलबे के नीचे फंसा है और बुरी तरह घायल है। शुरुआत में दिखाया गया आदमी और लोगों की मदद से उस घायल आदमी की हेल्प करता है और ये लोग मिलकर उस आदमी को बचा लेते हैं। हालांकि वो आदमी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। तभी उस आदमी को एक प्रेग्नेंट लड़की दिखाई देती है जो मदद के लिए चिल्ला रही है। वो आदमी उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है। वो लड़की कहती है कि उसे लग रहा है कि शायद उसकी डिलीवरी होने वाली है। तभी एक आदमी जमीन पर पड़े प्लेन के एक इंजन में फंस जाता है और वहां एक जोर का धमाका होता है। वो आदमी उस लड़की से कहता है कि तुम्हें खुद को नॉर्मल रखना होगा। फिर वो एक मोटे से आदमी से कहता है कि इस लड़की को यहां से किसी अलग जगह पर ले जाओ, अगर कोई परेशानी हो तो मुझे बुला लेना। वो मोटा आदमी उस आदमी से उसका नाम पूछता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम जैक है। जैक एक लड़के के पास आता है जो बेहोश पड़ी एक औरत की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। जैक उस औरत को सीपीआर देता है। जैक के सीपीआर से उस औरत को होश आ जाता है और उसकी जान बच जाती है। तभी जैक देखता है कि थोड़ी देर पहले उसने जिस मोटे आदमी के साथ उस प्रेग्नेंट लड़की को भेजा था, उन दोनों के ऊपर प्लेन का विंग गिरने ही वाला है और उन दोनों को इसकी कोई खबर नहीं है। जैक भाग कर वहां जाता है और उनकी जान बचाता है, लेकिन प्लेन का विंग गिरने से वहां एक जोर का धमाका होता है और कुछ लोग मारे जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब हालात नॉर्मल होते हैं तो जैक वहां से एक तरफ आता है और अपना जख्म देखता है। जैक को भी इस हादसे में गहरी चोट आई है, उसकी कमर में एक लंबा सा कट लग गया है। तभी वहां एक लड़की आती है। जैक उससे पूछता है कि क्या उसको सुई से सिलाई करने का कोई एक्सपीरियंस है। दरअसल जैक को प्लेन के किसी मुसाफिर के बैग से सुई धागा मिल गया था और वो इसी सुई धागे से अपनी कमर पर लगे जख्म में टांके लगाना चाहता है। वो लड़की कहती है कि हाँ, उसने सुई का काफी इस्तेमाल किया है। तब जैक उससे अपना जख्म सिलने को कहता है। वो लड़की घबरा जाती है। जैक उसे बताता है कि वैसे तो मैं खुद भी एक डॉक्टर हूँ, लेकिन मेरा हाथ मेरी चोट तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए तुम मेरे जख्म को सिलने में मेरी हेल्प कर दो। वो लड़की ये काम नहीं करना चाहती, लेकिन जैक उसको जब हौसला देता है तो वो मान जाती है। शॉट चेंज होता है और हमें एक दूसरा आदमी दिखाई देता है जो सिगरेट पी रहा है। यहाँ अब हालात नॉर्मल है। वो प्रेग्नेंट लड़की बीच पर खड़ी होकर समंदर को देख रही है, जबकि वो मोटा आदमी फ्लाइट में जो भी खाने लायक चीजें हैं उनको जमा कर रहा है। बीच किनारे ही हमें एक और आदमी बैठा दिखाई देता है जिसके चेहरे पर चोट लगी है। शुरुआत में जैक को मिला लड़का अपने मोबाइल से कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी कॉल नहीं लगती। एक आदमी यहाँ लकड़ियों में आग जला रहा है। वो एक लड़के से उसका नाम पूछता है। वो लड़का कहता है कि मेरा नाम चार्ली है। वो आदमी चार्ली से कहता है कि हमें एक बड़ी सी आग जलानी होगी ताकि अगर हमें बचाने कोई रेस्क्यू पार्टी आती है तो वो हमें देख सके। चार्ली उससे उसका नाम पूछता है। वो आदमी कहता है मेरा नाम सईद है। हमें वो औरत दिखाई देती है जिसकी जान जैक ने सीपीआर देकर बचाई थी। अगले शॉट में हमें जैक और वो लड़की दिखते हैं जो जैक के जख्म को सिल रही है। जैक उसे यहां बताता है कि कैसे जब उसने अपने जीवन की पहली स्पाइनल सर्जरी की थी तो उसके ऊपर डर बहुत ज्यादा हावी हो रहा।
रहा था, लेकिन फिर उसने अपने डर को काबू किया और बहुत बुरी तरह से घायल एक लड़की की स्पाइन की सर्जरी की थी और आखिरकार वो लड़की ठीक हो गई। जैक का जख्म सिल रही वो लड़की कहती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो शायद घबरा कर वहां से भाग जाती। तब जैक कहता है कि शायद ऐसा ना होता क्योंकि तुम अब भी नहीं भागी और मेरे जख्म को बिना डरे सिल रही हो। यहाँ हमें यह पता चलता है कि जैक एक सर्जन है। अब रात हो चुकी है, सभी लोग आग के किनारे अलग अलग ग्रुप्स में बैठे हैं। सब इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि आखिर अब तक इन्हें रेस्क्यू करने कोई भी क्यों नहीं आया है। एक लड़का जो हमें शुरू में जैक के साथ दिखाई दिया था, वो एक लड़की को चॉकलेट देता है, लेकिन वो लड़की चॉकलेट खाने से मना कर देती है। इस लड़की का नाम शैनन है। शैनन को यकीन है कि प्लेन के ब्लैक बॉक्स की मदद से कोई ना कोई उन्हें जरूर ढूंढ लेगा। फिर वो मोटा आदमी उस प्रेग्नेंट लड़की के पास खाना लेकर आता है। वो उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता है। लड़की कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। फिर एक ब्लैक बाप बेटे नजर आते हैं। बारी बारी से दिखाई जा रहे ये वो लोग हैं जो इस शो के अहम कैरेक्टर्स हैं। हमें एक कोरियन कपल भी दिखाई देता है। कोरियन आदमी अपनी भाषा में अपनी पत्नी से कहता है कि तुम हमेशा मेरी नजरों के सामने ही रहना। फिर हमें जैक दिखाई देता है जो एक बुरी तरह घायल आदमी को चेक कर रहा है। ये आदमी बेहोश है। जैक के पास ही उसका घाव सिलने वाली लड़की भी खड़ी है। उस आदमी के पेट में मेटल का एक पीस धंसा हुआ है। वो लड़की जैक से पूछती है कि क्या ये आदमी जिंदा बच पाएगा। जैक उससे पूछता है कि क्या तुम इसे जानती हो। वो बताती है कि फ्लाइट में ये मेरे बराबर में ही बैठा था। वो लड़की जैक से बताती है कि उसने ये पूरा हादसा अपनी आंखों से देखा था। प्लेन का पिछला हिस्सा कहीं और गिरा है और अगला हिस्सा कहीं और गिरा है। जैक कहता है कि हमें प्लेन का अगला हिस्सा ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमें वो मिल गया तो हमें वहां कोई ट्रांस रिसीवर मिल जाएगा जिससे हम किसी से कॉन्टेक्ट करके हेल्प ले सकेंगे। जैक यहाँ उस लड़की को बताता है कि मैंने कुछ दिन प्लेन उड़ाने की क्लासेस ली थी, इसलिए मुझे ये सब पता है। वो लड़की जैक से कहती है कि गिरते वक्त मैंने पास ही धुआं भी देखा था, इसलिए जब तुम प्लेन का कॉकपिट ढूंढने जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जैक उससे उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि मेरा नाम केट है। जैक भी उसे अपना नाम बताता है। तभी जंगल से कुछ बड़ी ही अजीब और खतरनाक आवाजें आती हैं। हर कोई उन आवाजों की तरफ देखता है। सब बुरी तरह डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि जंगल में कोई बहुत खतरनाक और बहुत बड़ा जीव है। जंगल के बड़े बड़े पेड़ भी बुरी तरीके से हिलते हैं। शॉट चेंज होता है और कहानी फ्लैशबैक में आती है। हमें प्लेन में बैठा जैक दिखाई देता है। जैक की रो में दूसरी साइड की सीट पर वो ब्लैक महिला बैठी है जिसे जैक शो की शुरुआत में CPR देकर बचाता है। यानी ये वही फ्लाइट है जो शो की कहानी के मुताबिक क्रैश हुई है। तभी एक जोर का टर्बुलेंस आता है और पूरी फ्लाइट बुरी तरह से हिल जाती है। जैक उस औरत से कहता है कि फ्लाइट्स में ऐसे टर्बुलेंस से सामना होता रहता है, लेकिन तभी फिर से और ज्यादा तगड़ा टर्बुलेंस आता है। वो औरत जैक से बताती है कि मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए हैं और मुझे उनकी फिक्र हो रही है। जैक कहता है कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता और प्लेन बहुत जोर जोर से हिलने लगता है। यानी ये प्लेन के क्रैश होने से ठीक पहले का सीन हमें दिखाया जाता है। अगले शॉट में हमें चारों तरफ समंदर दिखाई देता है। जैक समंदर को देख रहा है। यानी कहानी फिर से वहीं आ चुकी है जहां से शुरू हुई थी। तभी केट जैक के पास आती है। जैक उससे कहता है कि तुम मुझे बता दो तुम्हें वो धुआं कहां दिखा था, मैं खुद वहां जाकर प्लेन का कॉकपिट ढूंढ लूंगा। लेकिन केट कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। लोग यहां कल रात जंगलों से आने वाली उन खतरनाक आवाजों के बारे में बात कर रहे हैं। वो मोटा आदमी वहां आता है और क्रैश में मारे गए लोगों की बॉडी को दफनाने की बात करता है। लेकिन शैनन कहती है कि उन बॉडीज का क्या करना है वो रेस्क्यू वाले देखेंगे। तभी जैक यहां आता है और वो इन सबको प्लेन का कॉकपिट ढूंढने वाली अपनी प्लानिंग के बारे में बताता है। वो बताता है कि मैं और केट कॉकपिट ढूंढने जंगल में जा रहे हैं। यहां चार्ली भी इनके साथ चलने को कहता है। पहले तो जैक मना करता है, लेकिन चार्ली के बहुत ज्यादा इंसिस्ट करने पर जैक मान जाता है। अगले शॉट में ये तीनों हमें जंगल में नजर आते हैं। केट चार्ली से कहती है कि ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। चार्ली उसे बताता है कि मैं ड्राइव शाफ्ट का मेंबर हूं, तो जरूर तुमने मुझे टीवी पर देखा होगा। दरअसल ड्राइव शाफ्ट एक रॉक बैंड है जो अमेरिका के कुछ इलाकों में बेहद मशहूर है। केट काफी सरप्राइज्ड होती है, लेकिन तभी जैक उनसे कहता है कि हमें अभी काफी चलना है। जैसे ही ये लोग आगे बढ़ते हैं, हमें फिर से वही गोल्डन रिट्रीवर डॉग दिखाई देता है जो जैक को इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाई दिया था। जैक
केट और चार्ली जंगल में काफी अंदर आ चुके हैं, तभी जोर की बारिश होने लगती है। चार्ली को यहाँ का मौसम बहुत अजीब लग रहा है। वो कहता भी है कि अभी तो बढ़िया दिन था और अब जैसे रात हो गई है और अचानक ही इतनी तेज बारिश होने लगी है। उधर बीच पर मौजूद लोग भी बारिश से बचने के लिए इधर उधर जाते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक आदमी उस बारिश में यूं ही बैठा है। ये आदमी हमें इस एपिसोड में पहले भी दिख चुका है। ये आदमी इस बारिश में भीग कर काफी खुश है। तभी जंगल में फिर वैसी ही हरकतें होती हैं जैसी कि कल रात को हो रही थी। बीच पर मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। शॉट चेंज होता है और हमें जंगल में जैक, केट और चार्ली दिखाई देते हैं जो पूरी तरह से भीग चुके हैं। इन तीनों को प्लेन का अगला हिस्सा मिल जाता है। ये तीनों उसमें घुसते हैं। यहाँ कुछ डेड बॉडीज भी हैं। ये वो लोग हैं जो प्लेन के अगले हिस्से में बैठे थे और क्रैश के बाद मारे गए। जैक बड़ी मुश्किल से कॉकपिट का दरवाजा खोल पाता है। यहाँ जैक ट्रांस रिसीवर ढूंढने की कोशिश करता है और तभी इन्हें पता चलता है कि प्लेन का एक पायलट अभी जिंदा है। जैक उससे बात करने की कोशिश करता है। वो पायलट जैक से पूछता है कि क्या कोई इन्हें बचाने आया है। जैक कहता है कि 16 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। पायलट बताता है कि जब प्लेन टर्बुलेंस से टकराया था तो हमने प्लेन को फिजी की तरफ मोड़ दिया था, लेकिन हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। इसका मतलब ये है कि वो हमें ढूंढ तो रहे होंगे लेकिन किसी गलत जगह पर ढूंढ रहे होंगे। पायलट केट से ट्रांस रिसीवर मांगता है जो कि ड्राइवर की सीट के पीछे रखा था। केट उसे वो ट्रांस रिसीवर देती है। जैक केट से पूछता है कि चार्ली कहाँ है। पायलट बताता है कि ट्रांस रिसीवर काम नहीं कर रहा है। केट चार्ली को ढूंढती है। चार्ली बाथरूम में से निकलता है। केट पूछती है कि तुम बाथरूम में क्या कर रहे थे। इससे पहले कि चार्ली कोई जवाब देता, वही खतरनाक आवाज दोबारा आती है जो कल रात आई थी। जैक जल्दी से केट और चार्ली को कॉकपिट में खींचता है। वहां एक साया मंडराने लगता है। प्लेन का पायलट जैसे ही टूटी हुई विंडशील्ड से बाहर झांकता है, वो साया उसे खींच लेता है। चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। ये सभी वहां से भागते हैं। जैक भी ट्रांस रिसीवर उठाकर वहां से भागता है। भागते हुए जब ये काफी आगे आ जाते हैं तो इन्हें पायलट की डेड बॉडी एक पेड़ पर लटकी हुई दिखती है। ये तीनों हैरान हैं कि वो चीज आखिर क्या थी जिसने पायलट का इतना बुरा हश्र किया। और यहीं पर लॉस्ट के पहले सीजन का पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।